हेलो प्यारे बच्चों आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश असेसमेंट वर्कशीट नंबर सेवन शेड्यूल टू बी डन ऑन एटीन नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन फॉर क्लास सिक्स स्टूडेंट्स टूडेज़ वर्कशीट इज बेस्ड ऑन योर प्रीवियस वीक्स वर्कशीट जो आपने प्रीवियस वीक्स में पढ़ा है पहले आप सब पढ़ चुके हैं उसी पर बेस्ड आपकी ये असेसमेंट वर्कशीट है ताकि साथ साथ आप अपनी नॉलेज को अप्लाई करके भी देख सकें तो पहले आप वर्कशीट को खुद करिएगा और फिर उसके बाद अपने आंसर्स को जज कीजिएगा अगर गलत है तो क्यों गलत है उसका भी रीज़न आपको बताया जा रहा है तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो देखिए फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रोनाउन बाई डार्कनिंग द सर्कल गिवन अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन तो प्रोनाउंस यानी कि नाउन्स की जगह पर जो वर्ड यूज़ होते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा हमें ये देखना है कि अप्रोप्रिएट प्रोनाउन कौन सा है तो देखिए प्रोनाउन्स है कौन से ही शी इट यू वी देयर आर हिज हर ये सारे हमारे प्रोनाउंस थे तो अब देखते हैं कि हमें यहाँ पर कौन से प्रोनाउंस की ज़रूरत पड़ेगी तो हिज नेम इज सुमंत हिज यानी कि बॉय है हिज नेम इ सुमंत डैश इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय तो क्या आएगा बॉय के लिए हम क्या यूज़ करते हैं येस वेरी गुड ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय आपको ये सर्कल भी डार्क करना है हर मदर हैज़ मैनी स्टोरी बुक्स डैश आर क्वाइट इंटरेस्टिंग तो किसके बारे में कहा जा रहा है क्वाइट इंटरेस्टिंग मम्मी तो क्वाइट इंटरेस्टिंग नहीं है बुक्स के बारे में कहा जा रहा है? तो है. है और बुक्स कैसी हैं बहुत इंटरेस्टिंग है तो दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग वी आर इंडियंस हम हिंदुस्तानी हैं हम इंडियंस हैं अब डैश आर ऑस्ट्रेलियन तो वो देखो आर तो ये तो ही शी इट ये क्या है सिंगुलर्स हैं हमें कौन सा चाहिए वे लोग कौन हैं वे ऑस्ट्रेलियंस हैं दे ऑल ऑफ डैश नो हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर तो यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चाहिए ऑल ऑफ अस नो हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर नेक्स्ट देखिए दे दीज आर डैश बुक्स गिव दम बैक अब दीज आर क्या हो सकता है कि ये किसकी बुक है दीज आर देयर बुक्स गिव देम बैक उनको दे दो दीज आर देयर बुक्स गिव देम बैक द कैट इज़ हंगरी गिव डैश सम मिल्क तो कैट हंगरी है और कैट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं ही और शी तो यूज़ नहीं होता क्या यूज होता है इट गिव इट सम मिल्क एनिमल्स के लिए आप लोग ही शी इट नहीं ना ही शी नहीं, नहीं यूज करते इट यूज करते हैं तो फिर यहाँ पर इट आएगा ही इज माई ब्रदर ही हैज लॉस्ट डैश हैट अब ये वह मेरा भाई है और उसने क्या किया अस देयर तो नहीं आएगा हिज हैट उसने अपनी हैट उसके गुम हो गई ही हैज अ न्यू कार डैश इज रेड इन कलर तो किसके बारे में कहा येस कार के बारे में कहा yes. तो क्या आएगा इट इज रेड इन कलर यहाँ पे आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा उसके बाद देखिए डैश हैव स्टिल नॉट बॉट अ स्मार्टफोन तो किसने ले लिया देम आर ये तो सारे पॉजिटिव चल रहा है। और यहाँ क्या आएगा आई आई हैव नोट बॉट आई हैव स्टिल नॉट बॉट अ स्मार्टफोन मैंने अभी भी एक स्मार्टफोन नहीं लिया नेक्स्ट है माय ब्रदर इज़ अ डॉक्टर डू यू नो अब मेरे भैया जो है वो डॉक्टर है तो मैंने क्या अब यहाँ पर क्या आने वाला है यहाँ पे दम नहीं आएगा यहाँ आर नहीं आएगा पॉजिटिव नहीं है यहाँ पे माइंड तो ऑब्जेक्टिव केस में मेरे लिए होता है माइंड डू यू मो नो माइंड नो तो यहाँ क्या आएगा डू यू नो हिम क्या आप उनको जानते हो तो यहाँ पर इस तरह से आपके जो आंसर्स हैं एक बार आपको फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा रही हूँ तो देखिए बेटा आपका आंसर फर्स्ट का जो है ही हिज नेम इज़ सुमंत यस ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय नेक्स्ट हर मदर हैज़ मैनी स्टोरी बुक्स दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग वी आर इंडियंस दे आर ऑस्ट्रेलियंस ऑल ऑफ अस नो तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको समझ के अगर करेंगे और तो आपको हमेशा याद रहेगा और आप हर जगह सही अप्लाई कर पाएंगे प्रोनाउंस को दीज आर देयर बुक्स वे ये उनकी बुक्स हैं उनको दे दो इस तरह से नेक्स्ट आप देखिए द कैट इज़ हंग्री डैश गिव डैश सम मिल्क तो कैट हंगरी है तो उसको क्या देना है द कैट इज़ हंगरी गिव इट सॉरी गिव इट सम

तो इस तरह से ये सारे आंसर्स हो गए लास्ट बट नॉट द लीज बेटा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सभी को फॉलो करना है वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ सिक्स फीट और टू यार्ड्स टू फाइट अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन वी आर अ मास्क दैट इज असेंशियल हमें मास्क जरूर पहन के रखना है सबको कहना है कि इसको फॉलो करते रहें तभी हम लोग बचे रहेंगे और कोविड स्प्रेड होने से रोक सकेंगे कीप लर्निंग एंड एंड स्टे ब्लेस एंड हेल्दी Thank you. Have a nice day.